अनूपगढ़ राजस्थान पथ परिवहन में चारों ओर भ्रष्टाचार का बोलबाल। रोडवेज को रोजाना हजारों का चूना लगाया जा रहा है, जिसमें आगार प्रबंधक की मिलीभगत भी खुलकर सामने आ रही है और चारों ओर भ्रष्टाचार प्रशासन की नाक नीचे खुलेआम हो रहा है। रोजाना आगार की बसें जो ठेके पर चल रही है उनमें न तो लगेज की टिकट काटी जा रही है, न ही बस में बैठे भोले भाले लोगों की टिकटें काटी जा रही है और उनसे बेझिझक बिना रोक टोक रुके टिकट के नाम से ले लिए जाते हैं। बोलने पर कोई सुनवाई नहीं होती है, वह यात्री रोपित कर रह जाता है। आपको बता दें, जब से नई आगार प्रबंधक आई है, जब से परिचालक हो या ड्राइवर, दोनों हाथों से आगार को लूटने मस्त है। हजारों रुपए रोजाना आगार चुना लगा रहे हैं, लेकिन आगार का प्रशासन चुप क्यों है, ये जांच का विषय है। आपको बता दें कि श्रीमती किरण यहाँ ट्रैफिक इंचार्ज थी। जब से दीपक अग्रवाल यहां से तबाला हुआ है, उसके बाद श्रीमती किरण को आगार प्रबंधक का चार्ज दिया हुआ है। वह अपनी मिलीभगत के चलते आगार व राज्य सरकार को लाखों का चूना लगाया जा रहा है। यदि किसी ईमानदार अधिकारी से जांच करवाई जावे तो सारी सच्चाई उजागर हो सकती है। डीएस सारस्वत की खास रिपोर्ट। कौन दी? अच्छा, मामलों के है मैं मंगल आयो सिर्फ टिकट मैंने कौन दी मानक सर अनूप डायो मैं। अच्छा, मानक सर अनूप डायो। हाँ जी, मैं टिकट कौन दे और मेहनती करके दाप गयो और वो बस लेके निकल गयो। बस अनूप डिपू गए गे? अनूप डिपू गए। ड्राइवर को ज्ञानी जी चलावा। ज्ञानी जी चलावा। हाँ, एयर चश्मा लो छोरो सो गए। कंडक्टर मन टिकट कौन दी? परिचालक एक चश्मा लो छोरो है। हाँ, चश्मा है जी। आपका कहने का मतलब ये रोडवेज है, इसमें बहुत ही गंभीर क्या की। हाँ सही है। हाँ, मैं चलो मानक सर हूँ, मैंने 80 रुपया ले लिया टिकट कौन दी मैंने आज तक। मैं कहा पहुँचो अभी आपने यहाँ रोडवेज में किससे बात की है? मैंने चेकिंग मतलब मेहमान सीट पर बैठा, मैंने टिकट कौन दी मैंने। अभी आपने यहाँ बात बताई क्या आगार में? हाँ, मैं बताई बाबा सही है, वो निकल गया साहब आगे। ऐ बाबू लोग के कह बाबू क्या थाने चेकिंग मिली, मैंने की कौन मिलियो, मैंने किराया दे दिन जो, मैंने टिकट कौन दी, मैं टिकट मतलब है मैं चोरियां कौन ये हो। तो टिकट के लिए क्या कह रहे हैं ये? चेकिंग पूछो अब मिली कौन मिली है? अब आपका नाम बताइए पूरा। पूरा कृष्ण लाल है जी, गांव पांच एलम कठो आ रहा कृष्ण लाल जी। मैं आ रहा हूँ मानक सर चढ़िया रोडवेज में चढ़ हूँ, ज्ञानी जी बस चलाओ। अच्छा, कठा चश्मा वो कनेक्टर कहाँ कहाँ आ रहे थे? अनूप आ रहे थे क्या? अनूप आ रहा हूँ, मैं टिकट कौन लिया, 80 रुपया नकद ले लिया मेरे। तो ज्ञानी जी का क्या नाम है ड्राइवर का जो अभी है बताओ? लास्ट में 08 नंबर है गाड़ी का। कुलवंत सिंह है। कुलवंत सिंह है। और कंडक्टर परिचालक का क्या नाम है? शोक प्रकाश है, एजेंट बस साथी। अच्छा, नंबर क्या है बस के? 41 08। आपका क्या नाम है? मेरा नाम स्वामी। तो ये भाई ये परेशान है और है, इसकी क्या सुनाई की आपने? गाड़ी निकलने के बाद मेरे पास आया तो उसी तो उसके, उसका फोन नंबर है आपके पास, है सर मेरे पास। आगार प्रबंधक को आप कहिए एक परी अब जो है सवारी के साथ अन्याय हो रहा है जी। क्या हुआ, कार्रवाई कर दोगे? कब होगी कार्रवाई? ये खड़ा है अभी, चिल्ला रहा है अभी। नहीं होगी साहब, नहीं होगी। हाँ, सब साथ झूठ बोलते हैं। बस करने पहले वहाँ पहुँचा था, उन्हें सुनाई नहीं की थी मेरी। इसका मतलब आगार प्रबंधक सहित पूरा मामला ही भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। भ्रष्टाचार कर दियो, ए से लेके जेड तक ये भ्रष्टाचार में है सर। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि समय नगद दिन जा नाम थे, वीडियो बना लो, अट्ठू में पैसा काट के दिन जाए लो, अट्ठू काट के दिन जाए पैसा, वो बना लो वीडियो। ठीक है, मन कंट्रिक कौन? आपका क्या कहना था? स्वामी जी बोल रहे थे कि आपने चलो किराया दिया और टिकट नहीं मिली आपको, ये बोल रहे थे कि आपको चेकिंग वगैरह नहीं मिली रखते। अगर चेकिंग मिलती जो जुर्माना होता, जुर्माना इनके लगता, वो परिचालक भुगतता भुगतता क्या? आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुरविंदर सिंह है। ठीक है।